नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम गुरु अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 16 मार्च 2018 के करेंट अफेयर्स पे। तो आइए देखते हैं आज 16 मार्च को कौन कौन सी ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं न्यूज़पेपर में जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारे करेंट अफेयर का पार्ट हैं। इस चैनल से डेली करंट अफेयर्स और जीएस का ऑटोमेटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करके इसके लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इस करंट अफेयर सेशन से लाभान्वित हो सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में विश्व हिंदी सचिवालय की इमारत का उद्घाटन किया? तो ये देश है मॉरीशस। तो आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मॉरीशस में हाल ही में विश्व हिंदी सचिवालय की इमारत का उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं मॉरीशस की। देखिए, मॉरीशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस और मॉरीशस की नेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच और मॉरीशस की करेंसी है मॉरीशियन रूपी। तो आप मॉरीशस के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मॉरीशस की यात्रा के दौरान मॉरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय की इमारत का उद्घाटन किया है और ये इस बार की सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन लगातार चौथी बार जर्मनी की चांसलर चुनी गई हैं? तो ये हैं एंजेला मर्केल। तो आपको याद रखना है कि एंजेला मर्केल जो है ये चौथी बार जर्मनी की चांसलर चुनी गई हैं। अब बात करते हैं जर्मनी की। देखिए, जर्मनी की कैपिटल यानी कि राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की करेंसी यानी कि मुद्रा है यूरो। तो आप याद रखिएगा कि जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और जर्मनी की मुद्रा यूरो है। लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि एंजेला मर्केल जो है ये चौथी बार जर्मनी की चांसलर चुनी गई हैं। आप थोड़ा सा मैप में जाएंगे और लोकेशन देखेंगे जर्मनी की। देखिए, ये आपका वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा होगा और यहाँ पे साउथ अमेरिका, ठीक है, और ये आपका यूरोप का पार्ट है और ये आपका अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका अंटार्कटिका है। तो हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें केवल यूरोप से मतलब है, ठीक है। और यूरोप में एक देश है जिसका नाम है जर्मनी और हमें यहाँ पे जो है जर्मनी के बारे में चर्चा करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको येलोइश पार्ट दिख रहा होगा, ये जर्मनी है। अब हम मैप में देखेंगे कि जर्मनी की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो देखिए, जर्मनी की सीमाएँ लगती हैं पोलैंड के साथ, चेक रिपब्लिक के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, फ्रांस के साथ, बेल्जियम के साथ, नीदरलैंड के साथ और डेनमार्क के साथ, यानी कि टोटल 8 देशों के साथ जर्मनी की सीमाएं लगती हैं। तो आप याद रखिएगा कि जर्मनी की सीमाएं टोटल 8 देशों के साथ लगती हैं और ये देश हैं पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और डेनमार्क। तो देखिए, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कभी कभी जो है लोकेट करने के लिए पूछ लेता है या फिर सीधे सीधे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है जर्मनी से सीमा बनाता है या फिर नहीं बनाता है। तो अगर आपको जर्मनी की सभी सीमाएं याद रहेंगी तो आप जो है उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितने प्रतिशत रहेगी? तो ये रहेगी 7.3%। तो देखिए, ऐसा विश्व बैंक ने केवल अनुमान लगाया, ठीक है, यानी कि केवल अनुमान के आधार पर इसने बताया है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है 2018-19 की वित्तीय वर्ष में 7.3% रहेगी। और इसने एक चीज़ और कहा है कि 2019-20 के वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये बढ़कर 7.5% हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला ये कि विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार 2018-19 की वित्तीय वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.3% रहेगी और ये जो है 2019-20 में बढ़कर 7.5% हो जाएगी। अब बात करते हैं विश्व बैंक की। देखिए, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम और वर्ल्ड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। तो देखिए, मोस्टली एग्जाम में इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर यानी कि फाउंडेशन ईयर पूछ लेता है कि कब इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये पूछ लेता है। बाकी अगर किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है विश्व बैंक में हाल ही में तो उसके बारे में पूछ लेता है, जैसे कि क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का। तो आपको जो है ये चारों नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है, सीईओ का नाम याद रखना है, हेडक्वार्टर याद रखना है और फाउंडेशन ईयर याद रखना है।
लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि विश्व बैंक ने अनुमान लगाया कि 2018-19 के वित्तीय वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर जो है ये 7.3% रहेगी और ये 2019-20 के वित्तीय वर्ष में बढ़कर 7.5% हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB ने अपने 33वें स्थापना दिवस पर किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है सिटीजन सर्विस मोबाइल ऐप। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपने 33वें स्थापना दिवस पर सिटीजन सर्विस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और यह एप्लीकेशन जो है नागरिकों को विभिन्न आवश्यक पुलिस संबंधित सेवाएँ प्रदान करेगी। अब बात करते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। देखिए इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आप याद रखिएगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और एक चीज़ और याद रखना है आपको कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपने 33वें स्थापना दिवस पर सिटीजन सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि नागरिकों को विभिन्न आवश्यक पुलिस संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को किस बीमारी के उपचार के लिए अनुसंधान और विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोचोन पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया? तो ये बीमारी है टीबी, यानी कि टीबी के उपचार के अनुसंधान और विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अंतर्राष्ट्रीय कोचोन पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है। और देश में R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रयासों को गति देने हेतु इंडिया टीबी रिसर्च कंसोर्टियम की स्थापना के लिए ICMR को कोरिया के गैर लाभकारी संगठन कोचोन फाउंडेशन से $65,000 का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पर आपको बस इतना ही याद रखना है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को टीबी के उपचार के अनुसंधान और विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोचोन पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रयास को गति देने हेतु इंडिया टीबी रिसर्च कंसोर्टियम की स्थापना के लिए ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को कोरिया के गैर लाभकारी संगठन कोचोन फाउंडेशन से $65,000 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने भारत के विमानन उद्योग में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्षेत्र है मानव संसाधन की उपलब्धता यानी कि ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने भारत के विमानन उद्योग में मानव संसाधन की उपलब्धता के क्षेत्र में सहयोग के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। देखिए इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अलेक्जेंडर डे ज्यूनिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किए गए जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो देखिए जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप और डेमोक्रेसी के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार पहले स्थान पर इसमें है पुणे और दूसरे स्थान पर कोलकाता है, तीसरे स्थान पर तिरुवनंतपुरम है, चौथे स्थान पर भुवनेश्वर है और पांचवें स्थान पर सूरत है। अब बात करते हैं इस सर्वेक्षण की कि ये सर्वेक्षण जो है ये है क्या और किस बेसिस पे ये सर्वेक्षण किया जाता है। तो देखिए इस सर्वेक्षण में वर्तमान में कानून नीतियों और संस्थागत प्रक्रियाओं का आकलन करके भारत के शहरों में शासन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए अब आपने जान लिया कि ये सर्वेक्षण आखिरकार है क्या। तो आप याद रखिएगा कि जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार इसमें पहले स्थान पे पुणे है और दूसरे स्थान पे कोलकाता है और तीसरे स्थान पे तिरुवनंतपुरम है, चौथे स्थान पे भुवनेश्वर है और पांचवें स्थान पर सूरत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के विभिन्न तरीकों का पता लगाने के लिए व्यापक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है मेडागास्कर। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत के राष्ट्रपति मार्च महीने में दो देशों की यात्रा पर गए हैं और ये देश हैं मॉरिशस और मेडागास्कर। तो देखिए मॉरिशस के बारे में हमने चर्चा कर लिया कि वहाँ पे कौन कौन से समझौते हुए हैं, अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे मेडागास्कर पे। तो देखिए मेडागास्कर के साथ जो है रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के विभिन्न तरीकों का पता लगाने के लिए
व्यापक समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है भारत और मॉरिशस के बीच में, और दोनों देशों के बीच संपर्क सुधार के प्रयासों के लिए वायुसेना के एक संशोधित समझौतों पर भी हस्ताक्षर किया गया है। अब बात करते हैं मेडागास्कर की। देखिए मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानोरियो और मेडागास्कर की मुद्रा है मालागासी एररी और मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं हैरी राजोना रिम्पियन्ना। तो देखिए नाम कितना टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन ठीक है, आप याद रखिएगा कि मेडागास्कर की राजधानी एंटानानोरियो है और मुद्रा है मालागासी एररी और राष्ट्रपति हैं हैरी राजोनारी रिम्पियन्ना। देखिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका अंटार्कटिका है, ठीक है, और ये आपका जो है हिंद महासागर का रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका मॉरिशस है और ये आपका मेडागास्कर है, तो आपको रिवाइज करने के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो देखिए ये आपका हिंद महासागर का रीजन है यानी कि इंडियन ओशियन है, और यहाँ पे आपको जो है दो द्वीपीय देश दिख रहे हैं, एक है मॉरिशस और दूसरा है मेडागास्कर, तो आप जो है इसकी लोकेशन याद रखिएगा। तो आज का करंट अफेयर सेशन ही समाप्त होता है, कल मैं फिर आपके लिए डेली करंट अफेयर सेशन लेके आऊँगा। आपका काम है वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर देना, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए। देखिए लाइक और शेयर करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है, यानी कि ये दोनों सेवाएँ निःशुल्क है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।